हेलो एंड वेलकम एमएसआर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। तब तक दम करना है जब तक आप परीक्षा की खोपड़ी में ना छेद कर दे। तो चलिए उसमें आपकी हेल्प करते हैं हम। क्लास 9 प्रश्नावली 6.1 प्रश्न संख्या 4 बोलते हैं कि आकृति 6.16 बुक में यह दिया हुआ 6.16 में एक्स प्लस वाई और W प्लस जेड दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। बस यही काम करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या कि एक विड्थ का वैल्यू कितना होता है 360। हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर ये बिंदु कौन है, ओ है। इसके चारों ओर जितने कोण बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, तो एक बिंदु वो है, इसके चारों ओर जितने भी कोण बनेंगे 10 20 30 जितने भी कोण बनेंगे सभी कोणों को अगर जोड़िएगा तो 360 आएगा। यह चुकी कर दीजिए, नीचे लिखिए। इसलिए अब जो जो एंगल बना उसको लिख दीजिए, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस 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 एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, ए ओ डी बराबर कितना 360 डिग्री। चारों कोणों को चार एंगल बना हुआ, सभी को एंगल को जोड़ ऐड कीजिएगा तो 360 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ओ सी में क्या बोलता है, वाई है। बी ओ सी में क्या बोलता है, एक्स है। बी ओ डी में क्या है, बी ओ डी में डब्ल्यू है और यहां जेड है। तो वाई प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। इसको अगर आप व्यवस्थित करना चाहे तो थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए। कैसे व्यवस्थित होगा, तो पहले एक्स आता है तो एक्स लिख दिया, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 360। ये व्यवस्थित हो गया। और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक्स प्लस वाई रहेगा लेकिन डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं किसको, एक्स प्लस वाई को और 360। ये कहाँ से आया भाई, इधर ब्रैकेट में लिख दीजिए कि चूंकि क्वेश्चन बोलता है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, इससे हमने बैठा दिया। अब जोड़िए, एक्स एक्स को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, तो 2x आएगा। वाई वाई को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2y बराबर 360। दो कॉमा लेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस वाई बराबर 360 आएगा। अब ये 2 उधर डिवाइड करेगा जाकर के तो हमारे पास आएगा, इसलिए x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2 अर्थात 360 बटा 2 अर्थात इसको काटेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो इसको एक इस्तेमाल बढ़ा ही दीजिए, इसलिए x प्लस वाई बराबर आया 180 डिग्री। ध्यान से देखने होंगे कि ये बोला x यहाँ तक है, ये y है और वह क्या प्रमाण दे रहा है, यह प्रमाण दे रहा है कि चूंकि एंगल कौन कौन सा, एंगल ए ओ सी, चूंकि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी कहाँ पे स्थित है, ये ध्यान से देखिएगा तो ये कहाँ स्थित है, ये एक रेखिक युग्म बना रहा है, एक रेखा पर स्थित है, एक रेखिक युग्म है, मतलब एक रेखा पर बने हुए कोण है।
इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए ओ बी एक रेखा है या सरल रेखा है, जो पूछेगा उसके अनुसार लिख दीजिएगा। एक रेखा है ए ओ बी, एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, जो भी आपको पूछा है लिख दीजिएगा। यहाँ अगर प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि पिछली प्रश्न के जैसा ये भी आपको समझ में आएगा। अगर आएगा तो तुरंत लाइक बटन को दबाएंगे, और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सारे नए पुराने सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जितनी ज़्यादा हो सकता है मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।